स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कराऊंगा जो आम तौर पे हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, उन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान यानी सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता बंगाल में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में आता है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यानी नेशनल ओशन साइंस इंस्टीट्यूट पणजी गोवा में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये जो है महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में नागपुर में है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर यानी पशु कल्याण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आता है फरीदाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय संस्थान है नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी ओपन स्कूलिंग के लिए नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलोर यानी कर्नाटक में आता है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये जो है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का राजीव गांधी इंस्टीट्यूट जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ये कोलकाता बंगाल में है, सत्यजीत रे जो हैं एक फेमस एक्टर रहे हैं उनके नाम पे आता है सत्यजीत रे फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन। वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नई दिल्ली में आता है, वी गिरी जो हैं भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नाम पे आता है नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये जो है लखनऊ यूपी में आता है, विश्व विज्ञान संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून उत्तराखंड में आता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में आता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी जो वेजिटेशन से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आता है लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान जो है मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में आता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी केंद्रीय संस्थान आता है भारतीय भाषाओं के लिए, मैसूर कर्नाटक में स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। भारतीय मौसम वेधशाला यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये जो है मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये हाजीपुर में है, यहाँ पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग पे रिसर्च होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CIRT ये जो है महाराष्ट्र में पुणे में आता है, केंद्रीय रोड संस्थान या रोड परिवहन संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सड़क यानी रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में आता है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद यानी नेशनल जियो फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है हैदराबाद में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी रेलवे से जुड़ा हुआ लोकोमोटिव वर्क्स इंस्टीट्यूट है वाराणसी यूपी में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको नॉर्मली हम एम्स कहते हैं ये नई दिल्ली में स्थित है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान या कृषि तकनीक से जुड़ा हुआ संस्थान है भोपाल में। भारतीय खगोल संस्थान यानी कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च पे आता है बेंगलोर में, कर्नाटक में आता है भारतीय खगोल संस्थान। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में आता है, भाभा रिसर्च एटॉमिक रिसर्च पे आता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान यानी सुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आएगा वो आएगा यूपी में कानपुर में, सुगर कानपुर आता है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरकोड, ये जो है कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कासरकोड केरल में। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, जूट यानी जूट आपको पता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, तो जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, तो ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सर्वे है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISH, ये जो है मैसूर में है कर्नाटक में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी ARIES, ये नैनीताल में है, ये खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान में आता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में आता है, बीरबल साहनी के नाम पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनिक। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये तो आ चुका है ड्रग रिसर्च लखनऊ। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए मुख्य संस्थान है पिलानी। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान यानी जियो मैग्नेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है मुंबई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है धनबाद झारखंड में आता है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यानी साल्ट रिसर्च या समुद्री जो केमिकल होते हैं, सी केमिकल होते हैं, उन पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भावनगर गुजरात में आता है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो कॉटन क्लॉथ या टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है अहमदाबाद गुजरात में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च आता है मैसूर में। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये जो है DNA रिसर्च पे आता है हैदराबाद में, DNA रिसर्च होती है फिंगर प्रिंटिंग आदि पर हैदराबाद में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये नागपुर आएगा कॉटन पे कपास पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चमड़ा रिसर्च आता है लेदर रिसर्च पे अडयार चेन्नई तमिलनाडु में, तो चमड़ा रिसर्च आता है अडयार चेन्नई। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो भारत का फिल्म और टेलीविजन TV इंस्टीट्यूट जो है वो पुणे स्थित है। हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी HRI, ये इलाहाबाद UP में स्थित है हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये गुजरात के सूरत में है, डायमंड प्रोसेसिंग होती है सूरत में काफ़ी ज़्यादा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी दालों पे रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS, ये देहरादून में है, रिमोट सेंसिंग का रिसर्च होता है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च यानी मसालों पे रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है कालीकट केरल में, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, तो कालीकट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ICAR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर केन रिसर्च आएगा लखनऊ में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये समुद्री विज्ञान से जुड़ा हुआ संस्थान हैदराबाद में, ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम आएगा, यहाँ पर एटॉमिक रिसर्च होती है, इसको कहते हैं IGCAR यानी इंडियन इंदिरा गांधी
सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी यानी फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए आती है, फॉरेस्ट एकेडमी ये देहरादून उत्तराखंड में आती है हमारी फॉरेस्ट एकेडमी। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो खाद्य सुरक्षा पे इंस्टीट्यूट आता है गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस यानी IMSC ये चेन्नई में आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। फिर नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी पे रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCARSR बेंगलोर में आता है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में स्थित है, यूपी में आगरा है केंद्रीय हिंदी संस्थान। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIPE ये ग्वालियर में है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ संस्थान है ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडी यानी एशियन विज्ञान या एशियन स्टडी पे कोलकाता में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा यानी योगा के लिए मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI ये लखनऊ में है, बोटैनिकल रिसर्च में लखनऊ। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC ये मानेसर गुड़गांव में आता है, मस्तिष्क या ब्रेन रिसर्च सेंटर आता है मानेसर गुड़गांव। फिर आता है उच्च अक्षांश यानी हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल HAWS, तो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो है गुलमर्ग में है। नेक्स्ट आता है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बेंगलोर में है कर्नाटक में, बागवानी रिसर्च यानी हॉर्टिकल्चर रिसर्च होती है बेंगलोर में। और लास्ट आता है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ये MP के इंदौर में आता है। आपको पता है कुल दालों का टोटल उत्पादन होता है MP में ज़्यादा, तो सोयाबीन भी सबसे अधिक MP में होता है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो है इंदौर MP में है। तो ये क्वेश्चन मैंने लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको नेशनल इंस्टीट्यूट के कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।